हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 तरीके के डिज़ाइनर पर्स बनाना, और बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला पर्स है हमारा ये। तो देखिए, मैंने ये ली है आटे की पॉलीथिन, इसके बराबर का मैंने ये पीस लिया है और कट कर लेती हूँ। इसको मैंने सिलाई वगैरह लगा के रेडी कर लिया है। तनी के लिए मैंने ये 18x3 इंच का ये पीस लिया है दो, और इसकी हम तनी बना लेंगे। और इसको देखिए, जो हमने सिलाई वगैरह लगा के रेडी कर लिया है, आटा बोरी आटा की जो पॉलीथिन है उसके ऊपर, उसको हम देखिए चार फोल्ड इस तरीके से करके और कोने से राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद जहाँ से राउंड शेप है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे चारों साइड में, मतलब कि इधर और उधर दोनों साइड हो गई। और देखिए, इस तरीके से तनी को हमने सिल लिया है, और 3x3 3-3 इंच की दूरी पर हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है बीच सेंटर से, तो मतलब 6 इंच का गैप हो जाएगा करीब। इस तरीके से अटैच कर दिया है तनी को आलपिन की सहायता से। अब हम ले लेंगे इसमें जिप को लगाने के लिए। जिप देखिए, जहाँ से हमने निशान लगाया था वहीं से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे, और जो दूसरी तरफ भी हमने जो निशान लगाया है वहीं तक आपको इस जिप को लगा देना है। तो राउंड जहाँ तक हमने कट किया था वहीं तक इस जिप को भी हम लगाने वाले हैं इस तरीके से। तो देखिए, ये निशान आ गया, वहीं से हम इस जिप को कट करके और सिलाई वहीं तक लगा देते हैं। अब देखिए, किनारी किनारी पर एक और सिलाई हम लगा देते हैं ताकि जो कपड़ा है वो चैन में ना आए खोलने बंद करने में। इस तरीके से ये इधर से जिप लग जाएगी, और सेम तरीके से फिर आपको दूसरी साइड भी रेडी कर लेनी है जिप वगैरह लगा के। तो देखिए, जहाँ से निशान लगाया था हमने दूसरी साइड में भी वहीं से इसको लगाना स्टार्ट करना है। तो आप पहले ही निशान लगा लोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हमने डबल डबल सिलाई लगा के दोनों तरफ से जिप को अटैच कर दिया है। रनर डालने के बाद में इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद में जिप को हम पूरी तरीके से बंद करके फिर से रनर को डाल देंगे ताकि हमारी जिप बंद हो जाए। और देखिए, इस तरीके से आपको इसको सीधा सिलना है। जहाँ से हमारी जिप स्टार्ट हो रही है वहीं से आपको इसको सिल देना है इस तरीके से सीधा। तो मैंने इस तरीके से दोनों तरफ सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है थोड़ा थोड़ा निकला हुआ उसको हमें सीधा कट कर देना है। कट करने के बाद में यहाँ पे हमें पाइपिंग को अटैच कर देना है। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन पाइपिंग से हमारा जो बैग है वो मजबूत भी रहता है, फिनिशिंग भी बनी रहती है। अब देखिए, नीचे की साइड में हमने 2x2 के डिब्बे बना लिए हैं। जिधर से सिलाई लगी हुई है उधर से आपको सिलाई वाले पार्ट को छोड़ते हुए निशान लगाना है, और जिधर से सिलाई नहीं लगी हुई है उधर से आपको डायरेक्ट 2 इंच का ही निशान लगा देना है। तो इस तरीके से आपको नीचे से फोल्ड करते हुए पकड़ना है, किनारी से किनारी मिलाते हुए, और सिलाई लगा देनी है पाइपिंग के साथ में। तो पाइपिंग भी हमने साथ में अटैच कर दी और सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद में देखिए, ऊपर से फोल्ड करके एक और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमारा बहुत ही प्यारा सा बैग बनके रेडी हो जाएगा बड़े साइज का। अगर आप इसमें पॉकेट वगैरह और भी लगाना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, जितनी भी पॉकेट आप लगाना चाहो उतनी पॉकेट। अब चलिए, दूसरा आइडिया है हमारा ये, दूसरा पर्स है ये। इसको मैंने प्लास्टिक बोरी के ऊपर सेट कर लिया है, और देखिए 24x15 इंच का ये पीस लिया है, और ये पुरानी बेडशीट से मैं बनाने वाली हूँ, पुरानी बेडशीट और प्लास्टिक बोरी से। अब देखिए, इस तरीके से मैंने बीच सेंटर में इसमें निशान लगा लिया। बीच सेंटर में निशान लगाने के बाद में 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर निशान लगाते हुए हम इसको सेट कर देंगे डोरी को। तो देखिए, दोनों तरफ हमें इसी तरीके से डोरी को सेट कर दिया है। अब आपको लेनी है जिप, जिप को यहाँ पे आपको सिल देना है। जिप हमने सिल दिया, ऊपर से एक और फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा देनी है। बहुत ही प्यारा सा ये भी पर्स बनने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है इसको बनाने का। और देखिए, इस दोनों ही पर्स की डिज़ाइन अलग अलग है, और लेकिन तरीका थोड़ा थोड़ा उसी तरीके से है बिल्कुल। अब देखिए, दोनों तरफ हमने जिप को अटैच कर दिया। एक हम पॉकेट बनाने वाले हैं। चौड़ाई हमने 9x15 इंच का ये पीस लिया, प्लास्टिक जो शॉपिंग बैग का टुकड़ा है वो 9x15 इंच का लिया है। अब देखिए, हम इसके ऊपर 2 पॉकेट बनाएंगे इसी से ही। करीब ऊपर से आपको 2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से इसको अटैच कर देना है शॉपिंग बैग को। जो हमारा बैग है उधर से ऊपर से चैन की तरफ से 2 इंच छोड़ते हुए हमने इसको इस तरीके से अटैच कर दिया। इसका 20 सेंटर निकालने के बाद में यहाँ पे हम 20 सेंटर में एक निशान लगा देंगे। और देखिए, निशान लगाने के बाद में अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई लगा देते हैं नीचे वाली।
तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा देते हैं नीचे वाली, और बहुत ही प्यारा सा हमारा 3 पॉकेट का बैग बनके रेडी हो जाएगा बड़े साइज का। अब देखिए बीच वाली सिलाई को भी हम लगा देते हैं। तो गाइस इस तरीके से मैंने भी सेंटर में निशान पहले ही लगा लिया था और सिलाई को लगा दिया। ऊपर की साइड में आपको डबल सिलाई लगा देनी है ताकि सिलाई निकले ना। अब इस तरीके से आपको रनर डाल देना है। रनर की वीडियो मैंने अलग से शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। अब इसमें देखिए मैंने उल्टा करके और इसमें फिर से रनर चैन को बंद करके फिर से रनर को डाल दिया। अब देखिए आपको इस तरीके से चैन को अच्छे से सेट करते हुए और इसको पर्स को आपको अच्छी तरीके से सेट करके रखना है, और नीचे की साइड में आपको निशान लगाना है 2 इंच का दोनों तरफ से। तो देखिए इधर से 2 इंच का और इधर से 2 इंच का और इधर से भी 2 इंच का और इधर से 2 इंच का, मतलब कि चारों कोनों पर आगे और पीछे निशान लगा देना है। कोने तो 2 हैं लेकिन आगे पीछे दोनों तरफ लगाया है, तो इस तरीके से चारों तरफ लगा दिया। अब जो हमने 2-2 इंच का निशान लगाया है, 2 इंच को आपको पूरे को अंदर की साइड में इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो देखिए ये थोड़ा सा अलग तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो अभी आप लोगों को पहला पर्स बताया उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी सिंपल, और इस तरीके से हमारा 3 पॉकेट वाला बहुत ही प्यारा सा पर्स बन के रेडी हो गया। इसका आप बनाने का भी तरीका अलग है और डिजाइन भी थोड़ा अलग है। तो गाइज बहुत ही प्यारा सा है अलग। अब देखिए तीसरा है हमारा आइडिया। तो ये मैंने पुरानी साड़ी का टुकड़ा लिया है और ये प्लास्टिक बोरी ली है, इसको हम देखिए इसके साथ में अटैच कर देते हैं सिलाई वगैरह लगा के। और इसका अभी मैं आप लोग को नाप बता दूंगी कितना लिया है मैंने। तो देखिए इसको मैंने सेट कर दिया सिलाई वगैरह लगा के, और इसका जो नाप है वो है 22 इंच इसकी चौड़ाई है और 23 इंच इसकी लंबाई है। 23x22 इंच का ये पीस है, आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई चौड़ाई ले सकते हो जितनी भी आप लेना चाहो। तो ये मैं बहुत ही प्यारा सा बॉक्स बनाने वाली हूँ मल्टीपर्पज। आप इसमें सब्जी वगैरह भर सकते हो, कपड़े वगैरह भर सकते हो, बच्चों के खिलौने होते हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं, बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो हमारे यहाँ इधर उधर बेस्ट पड़ा रहता है, लेकिन हम इसमें स्टोरेज करके रख सकते हैं, या फिर अलमारी में भी आप कपड़े वगैरह स्टोरेज करके रख सकते हो। तो अब देखिए 5x5 के इस तरीके से मैंने इसमें से कोने कट करके और इस तरीके से कोने को पकड़ा और साथ में पाइपिंग लगाई, और इस तरीके से हम इसको सीधा सिल देंगे। तो पाइपिंग लगाते हुए आपको कोने से कोना मिलाते हुए सिल देना है। बहुत ही आसान सा तरीका है इसको बनाने का, और केवल एक ही पीस से ये बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से कोना मिलाया और सिलाई लगा दी। इसी तरीके से मैंने चारों कोनों पर सिलाई और पाइपिंग लगा दी है। अब चलिए हमने लेस का टुकड़ा ले लिया है, आप पाइपिंग भी ले सकते हो कपड़े की। तो ये मेरे पास बेस्ट लेस पड़ी थी तो मैंने सोचा यही ले लेती हूँ। अब तनी के लिए मैंने एक कपड़ा सिल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। 14-15 इंच की मैंने ये तनी ले ली है इसमें दोनों साइड में लगाने के लिए। अब चलिए अंदर पीछे की साइड से मैं इसको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से मैं 3 इंच की दूरी पर इसको तनी को अटैच कर रही हूँ, और उधर से भी 3 इंच नाप लूँगी और जो भी बीच का हिस्सा बचेगा वो आ जाएगा रह जाएगा। तो इसी तरीके से आपको फिर दूसरी साइड में भी तनी को अटैच कर देना है। तो एक साइड में देखिए मैंने तनी को अटैच कर दिया, और इसी तरीके से मैं पूरे में पाइपिंग को अटैच कर दूँगी और साथ में तनी भी लगा दूँगी। तो देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड में भी तनी को लगाते हुए अटैच कर दिया, ऊपर से पाइपिंग को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से हमारे ये मल्टीपर्पज़ बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। अब चलिए इसमें हम कार्डबोर्ड लगा देते हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई नीचे की तरफ से इस तरीके से नापेंगे हम, और इसी के नाप का हम कार्डबोर्ड कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके नाप का कट करके और इसमें अटैच कर दिया। इसमें आप कपड़ा लगाना चाहो तो कपड़ा भी लगा सकते हो, और कभी भी धो सकते हो आप इसे कार्डबोर्ड को निकालने के बाद में, बहुत ही यूजफुल होता है ये। तो मैंने तो अपने खिलौने वगैरह के लिए बनाया है बच्चों के, क्योंकि इधर उधर पड़े रहते हैं, इस तरीके से ये सेपरेट रखे रहते हैं हमारे बच्चों के खिलौने जो हैं, या फिर कपड़े वगैरह भी रख सकते हो इसमें। अब चलिए अगला आइडिया हमारा। देखिए मैंने ब्लाउज सिला था अपना, उसमें से पर्स भी सिला था, फिर भी कतरन जो है छोटी छोटी बच गई, मेरा फेंकने का मन नहीं किया क्योंकि बहुत ही प्यारा सा कपड़ा लग रहा था ये, और तो मैंने सोचा इसका छोटा सा पर्स बना दिया जाए। तो देखिए इसकी जो जितना भी कतरन बची थी सारी को मैंने सिल दिया इस तरीके से, और प्लास्टिक बोरी के साथ में अटैच कर दिया। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है करीब 5x10 इंच की है। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी पीस रेडी कर लिया और चारों तरफ से बराबर कट कर दिया इस तरीके से। अब इसमें हम चैन को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अटैच करने के बाद में ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे, दूसरी तरफ के हिस्से को भी हम अटैच कर देंगे सेम तरीके से, ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे। और बहुत ही आसान सा तरीका है इसको बनाने का। हमने एक स्ट्रिप इस तरीके से सिल दी, इसमें हम स्ट्रिप
स्ट्रिप लगा देंगे पकड़ने के लिए हैंडल के रूप में, तो ये स्ट्रिप हो जाएगी। आप इसे मोबाइल के लिए, पैसे के लिए, छोटा मोटा मल्टीपर्पज़ सामान रखने के लिए यूज में ले सकते हो। मेकअप का सामान रख सकते हो, या फिर हमारे यहाँ छोटा मोटा सामान इधर उधर पड़ा रहता है उसको भी आप रख सकते हो, जो भी आप इसमें रखना चाहो। तो ये मल्टीपर्पज़ हमारा पर्स बन के रेडी है। आप इसे किट का रूप भी दे सकते हो, पेंसिल वगैरह भी रख सकते हो, जो आप इसमें रखना चाहो। बहुत ही प्यारा सा, देखिए आप इस पर लेस और लगा दीजिए तो उससे बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा। तो देखिए छोटी छोटी कतरन से कितना प्यारा सा पर्स बन गया। अब चलिए पाँचवें नंबर का पर्स है हमारा ये। तो देखिए ये भी छोटी छोटी कतरन, छोटी छोटी स्ट्रिप थी, इसको भी मैंने ज्वाइंट किया और इस तरीके से राउंड शेप में ऊपर से कट कर लिया। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, देखिए मैं आपको बता दूँ, 4.5 इंच मतलब 9 इंच की इसकी चौड़ाई है, और देखिए 6 इंच की, 6.25 इंच की इसकी लंबाई है। इस तरीके से मैंने इसको लिया है और इसी के बराबर का मैं एक और पीस कट कर लूँगी पीछे की साइड में लगाने के लिए, और इसके ऊपर हम प्लास्टिक बोरी लगा के सिल लेंगे, अटैच कर देंगे अच्छी तरीके से। सिलाई वगैरह लगा के हमने देखिए रेडी कर दिया, और जो बचा हुआ पार्ट था वो भी हमने इस तरीके से कट कर लिया। ये हम डोरी के लिए यूज में लेंगे। तो देखिए जो भी बचा हुआ पार्ट था वो मैंने सिल दिए हैं डोरी के लिए आपस में, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट थे तो सिलना तो ज़रूरी था। और इस तरीके से येलो कलर का भी कपड़ा ले लिया, तो इसमें भी हम ज्वाइंट कर लेंगे, क्योंकि इतना कपड़ा पिंक वाला तो था नहीं कि एक ही इसी से हमारा पूरा पर्स बन के रेडी हो जाए। छोटे छोटे कपड़े थे तो मैंने इसी को ही डिजाइनर सा लुक दे दिया। आप देखिए इस तरीके से इसका हम 20 सेंटर निकालेंगे, और 20 सेंटर निकालने के बाद 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर लेते हुए निशान लगा देंगे, और इस स्ट्रिप को हम इस तरीके से रेडी कर देंगे। तो दो कलर की मैंने स्ट्रिप बनाई है, पिंक और येलो कलर में, और देखिए 15 इंच लंबाई है इसकी स्ट्रिप की। और देखिए दोनों को हमने अटैच कर दिया, ऊपर से हमने जिप को अटैच कर दिया। जिप को अटैच करने के बाद में हमें लगा देनी है देखिए लेस। तो कोई भी आप साड़ी की पुरानी लेस ले सकते हो, जो भी आपके पास वेस्ट पड़ी हो, क्योंकि हम साड़ी, अगर हम सिलाई वगैरह जानते हैं तो कुछ ना कुछ तो यूज करते ही रहते हैं, और हमारे पास लेस तो निकलती है। तो देखिए इस तरीके से हमने लेस को अटैच कर दिया, और लेस बनाने का भी तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कपड़े से भी। अगर आपको कपड़े की लेस बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के पास वीडियो शेयर कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने लेस अटैच कर दी, और जो ये वाली देखिए मैंने ये कपड़े की लेस बनाई है, इसको भी आप उस लेस की जगह लगा सकते हो। और देखिए इस तरीके से अंदर की साइड में लटकन है, उसकी अंदर की साइड में रखते हुए इस तरीके से हम चारों साइड से सिल देंगे, जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर देंगे, और इस तरीके से हमारा बहुत ही प्यारा सा पर्स बन के रेडी हो जाएगा। और जो लेस अभी मैंने नीचे वाली लगाई है, ये मैंने छोटी छोटी कतरन से बनाई हुई थी खुद ही, और बहुत ही प्यारी सी है, बिना किसी पैसा खर्च किए बनाई है। मार्केट की लेस नहीं लगाई है इसमें, केवल अपने हाथ की लेस मतलब कपड़े की बनाई है। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे, बाय बाय।